भाई ये वाली वीडियो तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था कि किसी भी किसान ने या फिर किसी भी आंदोलन वाले बंदे ने इस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान से जुड़ने की बात नहीं करी थी। मैं बारी बारी से उनको दिखाता हूँ। पंजाब नु लगे कर दो, असि अपना पाकिस्तान खोल लेने, लगे ही कर दिता इंडिया तो, तू लगे रहन दो, असि कल इधर नहीं खोलांगे, सानू पाकिस्तान खोल लेने दो। इधर पाकिस्तान है फिर तो सर बोल देन भी तुसी पाकिस्तान चले जाओ, असि इधर तो पंजाब तो असि तुहाडा अपने नाल रखना नहीं हैगा, असि फिर पाकिस्तान दे नाल कर लैंदे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ट्रैक्टर के पीछे अब काफिला लगना शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। उदू असी हुण इह तों गवा के असी इन्हां तों की उम्मीद रखदे हां? सानू इन्हां तों कोई उम्मीद नहीं हैगी, असी आजाद पंजाब चाहुंदे हां, सांझा पंजाब, खालिस्तान पंजाब। क्या आप लोग अभी भी ये बोलोगे कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो हो रहा है सिर्फ फार्मर्स के लिए हो रहा है? अगर फार्मर्स के लिए हो रहा है तो पाकिस्तान से जुड़ने की बात कहां से आ रही है? खालिस्तान बनाने की बात कहां से आ रही है? पंजाब को अलग करने की बात कहां से आ रही है? आप राकेश टिकैत का पुतला क्यों जलाना चाह रहे हैं? मैं इसलिए जलाना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे देश को बरगला रहे हैं, हमारे किसानों को बरगला रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान विरोधी है जो किसानों का भला नहीं होने देना चाह रहे हैं। ऐसे आदमी का पुतला जरूर फूंकना चाहिए। ये जो किसान कानून हमारे थे, बहुत बढ़िया कानून थे, उनको वापस नहीं लाना चाहिए था, इनकी वजह से वापस आया, किसानों का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, इसलिए मैं पुतला फूंकना चाहता हूँ। तो पुतला लेकर आया आप? जी मैं लेके आया हूँ। तो अभी तक चलाए नहीं? भाई साहब कुछ हरियाणा पुलिस के वहाँ प्रॉब्लम हुई है, मेरा भाई है उसे अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी बाउंड कर लिया है, मैं उसी की थोड़ी टेंशन में हूँ, पुतला मेरा बना रखा है, मुझे परमिशन यहाँ से है, मैं फूंक दूंगा यहाँ पे। ये इतना बड़ा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन इनकी डिमांड्स क्या है? इनकी डिमांड जरा जानते हैं हम लोग। भाई पहली डिमांड है फसलों पर MSP की। अब देखो एक वीडियो थी टिकैत जी की जिसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला था कि जो 3 क्विंटल का गेहूं है वो सोने के रेट के बराबर यानी कि 1 तोला रेट के बराबर होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान लो कि आप लोगों के घर पे जो आटा आएगा ना वो 250 से 350 रुपये किलो आएगा, क्या आप लोग उतना अफोर्ड कर पाओगे? चलो जस्ट लाइक ये तो पाकिस्तान बन जाएगा फिर तो, कि भैया आटे के लिए लूट मचेगी और फिर हम जैसे लोग मे बी एक बार अफोर्ड कर पाएं, पर गरीब बंदा कहाँ जाएगा। भाई दूसरी डिमांड है 10,000 रुपये पर मंथ की किसान को एक पेंशन मिलनी चाहिए। अब अगर इतना मान लिया जाए तो हर साल का 2,40,000 करोड़ का जो पेंशन अमाउंट वो किसानों को ही जाएगा। भाई तीसरी डिमांड है कि 7,000 रुपये डेली का 200 दिनों के लिए मनरेगा स्कीम लागू करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मान लो कि 21,00,000 करोड़ रुपये निकल जाएंगे इंडिया के बजट से। भाई नेक्स्ट डिमांड है बिजली का बिल माफ होना। तो देखो बिजली का बिल माफ करने के बाद समझ लो कि 2,90,000 या 88,000 करोड़ के आसपास का चूना लग जाएगा इंडिया को। और फिर इसके बाद आती है कि डीजल के ऊपर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो भी कितने मिलेगी उसका तो मतलब परसेंटेज देखो वेरी करेगा। बट ये सब डिमांड्स अगर लग जाएंगी तो देश का जो डेवलपमेंट है ना वो बिल्कुल ही रुक जाएगा, उल्टा देश कर्जे में भी आ सकता है क्योंकि देश का जो बजट है वो ही 45,00,000 करोड़ का है मान लो, ठीक है, और ये डिमांड्स हैं ये 30-35 करोड़ लाख की बढ़ रही हैं। तो जरा सोचो कि 10,00,000 करोड़ के अंदर फिर देश नहीं चल पाएगा, सिर्फ डिमांड ही पूरी हो पाएंगी, फिर क्या होगा? फिर वो हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है इस टाइम पर,